कार्तिक आर्यन ने किया देबू स्मिता को प्रपोज, घुटनों पर बैठकर कही बड़ी बात। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इंडियन आइडल 13 के मंच से? क्या सच में कार्तिक आर्यन ने किया है देबू स्मिता को प्रपोज? खबरें क्या कह रही हैं और क्यों ऐसी खबरें इस वक्त इतनी वायरल हो रही हैं? बताएंगे आपको पूरी डिटेल यहाँ पर टीवी तमाशा की इस खास रिपोर्ट में। वेल, बहुत स्वागत है आपका टीवी तमाशा पर। और यहाँ अभी इंडियन आइडल 13 से एक बड़ी अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। इंडियन आइडल 13 में इस हफ्ते आ रहे हैं कृति सनन और कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म शहजादा को प्रमोट करने के लिए। और इस दौरान जाहिर सी बात है कंटेस्टेंट्स के साथ बहुत सारी बातें, हंसी मजाक होगा, बहुत ही बेहतरीन गाने भी परफॉर्म किए जाएंगे। और इस बीच जो एक खास बात होगी वो ये है कि यहाँ पर बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स भी देखने को मिलेगा, ऐसा प्रोमो आउट हुआ है। इसी बीच अगर खबरों की माने तो कार्तिक जो है वो देबू स्मिता को प्रपोज करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो ये कहेंगे कि देबू स्मिता, मैंने अक्सर सुना है कि आपको ज़िंदगी में किसी की तलाश है। ये बात कई बार यहाँ स्टेज पर हुई है कि आपको जो परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो वो ऐसा हो, वैसा हो या फिर कैसा हो। तो चलिए क्यों ना यहाँ पर सोच कर देखिए कि अगर मैं आपका लाइफ पार्टनर बनूं या मैं आपको आज यहाँ प्रपोज करता हूँ ज़िंदगी साथ बिताने के लिए, तो क्या कुछ आपका रिएक्शन होगा। चलिए इस तरह से एक सिचुएशन इमेजिन करके देखते हैं। और इसके बाद कार्तिक घुटनों पर बैठकर देबू स्मिता को प्रपोज करते हैं और ऑब्वियसली देबू स्मिता अमेजिंगली एकदम सरप्राइज हो जाती हैं और बहुत ही क्यूट सा रिएक्शन वो देती हैं। ऐसी खबरें निकलकर सेट से सामने आ रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।